हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशनीस क्यूजिन। आज हम लोग बनाने वाले हैं मुड़ी मसाला। जनरली फ्रेंड्स, जो ड्राई स्नैक्स रहता है वो थोड़ा डीप फ्राई रहता है, तो हम लोग हमेशा एक गिल्ट में खाते हैं उसको। लेकिन ये वाला स्नैक्स विदाउट डीप फ्राई रहता है, तो हम आराम से अच्छे से विदाउट एनी गिल्ट खा सकते हैं। मेरी नानी माँ इसको देसी बिस्किट बोलती है, नमकीन वाला। तो मेरे स्टाइल में ये कैसे बनता है चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, पहले मैंने इसके लिए सरसों तेल गरम किया है। सरसों तेल से एक यूनिक सा फ्लेवर आता है, और उसमें मैंने रेड चिल्ली, सरसों के दाने और कड़ी पत्ता ऐड किया है। कड़ी पत्ता अच्छे से ड्राई होना चाहिए, नहीं तो हमारा मुरी मसाला सौगी हो जाएगा। इसको मेरी नानी माँ देसी बिस्किट बोलती है। इसमें हम लोग अलग से खूब सारा ग्रीन चिल्ली, जिंजर और गार्लिक ऐड करते हैं, और उसको अच्छे से क्रिस्प होने तक भूनते हैं। इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। देखिए, अभी मैं इसमें जिंजर और ग्रीन चिली को चॉप करके डाल रही हूँ, और इसको भी मैं लो फ्लेम में अच्छे से भूनूंगी। अभी मैं इसमें चॉप गार्लिक ऐड कर रही हूँ। खूब सारा गार्लिक मैंने इसमें डाला है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्लिक का एक क्रंची सा टेस्ट इसमें। अभी इसमें मैं पीनट ऐड कर रही हूँ, और इसको भी हमें लो फ्लेम में सॉटे करना है रोस्ट होने तक। एक बार मेरी नानी माँ ट्रेन में जर्नी कर रही थी, तो मेरे जेठ उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने पूछा कि कुछ बिस्किट वगैरह है क्या खाने के लिए। तो मेरी नानी माँ बोली, हाँ मेरे पास देसी बिस्किट है, और ये निकाल के दिया। मेरे जेठ को बहुत ही पसंद आया, तो तभी से उसका नाम देसी बिस्किट हो गया है। अभी हमारा पीनट थोड़ा गोल्डन कलर का हो गया है, और अभी इसमें मैंने चटनी चना दाल को ऐड किया है, और इसको भी मैं थोड़ा सा रोस्ट कर दूंगी। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी इसमें मैं सारे मसाले ऐड करूंगी, जैसे कि हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर, कलर के लिए थोड़ा सा देगी मिर्च भी मैंने डाला है, नमक और आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से एक चटपटा सा फ्लेवर आएगा इसमें। अभी इसमें मैं मूरी ऐड करूंगी। बस एक बात की आप ध्यान रखिए, जब भी आप मूरी ऐड करें, मूरी थोड़ा सा हमारा क्रंची होना चाहिए, नहीं तो ये पूरा मूरी मसाला हमारा सौगी हो जाएगा। अगर ये मूरी आपका क्रंची नहीं है, तो थोड़ा सा उसको ड्राई रोस्ट कर दीजिए, फिर इसमें ऐड कीजिए। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है अभी इसमें। ऐसे ही आपको चलाते रहना है 4 से 5 मिनट तक। फ्रेंड्स, ये कितना जल्दी बन गया। अगर आप इसको एक एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे, ये आराम से आपका 20-25 दिन रह जाएगा। और प्लीज़ इसमें आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कीजिए, इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। और जैसे मैंने इसमें जिंजर और गार्लिक को चॉप करके डाला है, इसमें भी एक अच्छा सा यूनिक फ्लेवर आएगा। तो मेरे स्टाइल में इसको बनाइए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन।